नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय रात के 3 बज चुके हैं और हम भिवंडी के वंजारपट्टी नाके पर हैं, जहां आपको बता दें कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिलाध्यक्ष सुहेब गुड्डू ने विशेष तौर पर उन ज़रूरतमंद के बीच में जाकर उनकी सहायता, उनकी मदद की, जो आपको बता दें कि फुटपाथ पर अपना रहर बसेरा करते हैं। भिवंडी शहर में पिछले 3 दिनों से बात की जाए तो ठंडी ने एक अपनी रफ्तार पकड़ी हुई है, जहाँ पर भिवंडी शहर में आप सड़क भी देख सकते हैं कि सुनसान है और ठंड जो है काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखकर सुहेब गुड्डू ने जो फुटपाथ पर रहर बसेरा करते हैं उन सभी फुटपाथ के ज़रूरतमंद लोगों को कंबल बांटने का काम किया। तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भिवंडी शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो फुटपाथ पर मजदूर थे, उसमें महिलाएं भी थीं, उन सभी को कंबल बांटते हुए दिखाई दिए। विशेष तौर पर सुहेब गुड्डू के साथ में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भिवंडी शहर महिला अध्यक्ष स्वाति कामले, उनके साथ में जुबेर अंसारी, तारिक काज, और आपको बता दें कि कई ऐसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी थे, वो सारे लोग जो हैं भिवंडी शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर कंबल बांटते हुए दिखाई दिए फुटपाथ पर जो अपना रहर बसेरा करते हैं। वो पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आइए देखते हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जाए पिछले 2 दिनों में ठंडी की जो है तापमान काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दी जा रही है, जो कम्बल आप बांट रहे हैं क्या होते हैं? पिछले 2-3 दिनों से भिवंडी के शहर के अंदर मौसम बहुत ठंडा है और ठंडी होने की वजह से जो बेचारे ज़रूरतमंद लोग हैं वो सोने में उनको तब तक हुई और बीमारी ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए हम लोग हर साल ये कम्बल बांटने का काम करते हैं। अब ये 2 साल से जो कोविड की बीमारी चल रही है लोगों की काम आ जाएगा ना। आज कारोबारी हालात बहुत ख़राब है, लोगों के पास नौकरी नहीं है,
आज नौकरी ना होने की वजह से जो बेचारे जिनके पास घर नहीं मकान नहीं है, जो आज रास्ते पे सोते हैं, ब्रिज के नीचे सोते हैं, तो उनको हम लोगों ने यहाँ देखा 2-3 दिनों में कि उनके पास कंबल या चादर ना होने की वजह से वो एकदम मतलब हाथ पैर एकदम ऐसा जोर से ऐसा सोए हुए थे। तो हम लोगों को बहुत तकलीफ इस बात को देख के। आज हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से जो हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोग हैं, हम लोगों ने आज कंबल वाटा करने का काम जो किया है ताकि ठंडी के अंदर हर जो ज़रूरतमंद लोगों उनको राहत मिल सके।